कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कश्मकश, कैसी कश्मकश। पूर्वा, पूर्वा। हाँ नानी माँ। पूर्वा खुशियां मनाओ, ठीक है दिए जलाओ, आस पड़ोस में मिठाई बांटो। क्यों, आपकी लॉटरी लग गई है? लॉटरी मेरी नहीं, तुम्हारी लग गई है। आदित्य का पता चल गया है। क्या, मेरे आदित्य का पता चल गया? हाँ। कहाँ है वो नानी माँ, कहाँ है? मेरी आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए, प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। फिलहाल तो वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाएं पैर में चोट लगी है। आपको किसने बताया, कहाँ से आई ये खबर? मुझे क्यों किसी ने अभी तक नहीं बताया? जब हॉस्पिटल से फोन आया था उस वक्त तुम मंदिर गई हुई थी, मगर मगर क्या नानी माँ? उसी वक्त हॉस्पिटल से दूसरा फोन आया कि पूर्वा को मयंक अपने साथ न लेकर आए। ऐसा आदित्य ने कहा कि मैं ना आऊं? फोन तो किसी और ने किया था, लेकिन उसने वही कहा जो उसे आदित्य ने कहा। क्या आदित्य मुझसे मिलना नहीं चाहता? नहीं। पर आदित्य ने ऐसा क्यों कहा, क्या वजह हो सकती है इसकी? इस नफरत और नाराजगी की वजह है प्रॉपर्टी। मैंने और नानी माँ ने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे और पूर्वा के बीच का फासला किसी तरह खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, पूर्वा तो मानने को ही तैयार नहीं, शक्ल नहीं देखना चाहती तुम्हारी। इस दूरी को खत्म कर दो पूर्वा, वरना जिंदगी के सफर में अकेली रह जाओगे, बिखर जाओगे। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा रास्ता बने कि तुम दोनों के बीच की जो नफरत है वो मोहब्बत में बदल जाए। तुम्हें इस नफरत की आग को बुझाना होगा, आदित्य को खुश रखना होगा, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना होगा, तभी पति पत्नी खुश रह सकते, समझी? लेकिन जब पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं, तो रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? ये रिश्ता ही बेमानी है, व्यर्थ है।
ऐसा बेवकूफ बनाया कि उसे पूरी तरह से शीशे में उतार दिया। मैंने भी तो आदित्य को ऐसा उल्लू बनाया है कि उसके विश्वास का शीशा ही टूट गया। अब ये दो नदी के पार्ट कभी नहीं मिल सकते। हाँ, अगर मिल सकते हैं तो पूर्वा से प्रॉपर्टी के कागजात। आओ आओ पूर्वा, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। मयंक भैया, मुझे एक बार मेरे आदित्य के पास हॉस्पिटल ले चलिए, मैं उसे मना लूंगी। पूर्वा, मैंने दुनिया की हर तरकीब आजमा कर देख ली, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। नानी माँ, आप इस बेचारी की मुश्किल का कोई उपाय निकालिए। नहीं मयंक, कोई उपाय नहीं है। उपाय है तो बस एक, मक्कारी। और सारी दुनिया जानती है मक्कारी की बात, ना मैं करती हूँ ना मैं सुनती हूँ। मुझे तो बस एक ही पहाड़ आता है, तो एकम दो तो दुनी चार। सही कहा आपने नानी माँ, मेरी भी प्रॉब्लम यही है। मैं तो सीधेपन में ही मारा गया बेचारा। देखिए ना, अगर मुझे दो दुनी पांच करना आता तो न जाने आज कहां से कहां पहुंच गया होता। वो बात तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी जिस पर आदित्य जोर दे रहा था। नहीं नहीं नानी माँ, मैं तो साहस नहीं जुटा पा रहा, मुझसे नहीं होगा वो। ये क्या कहा आदित्य ने, मुझे भी तो बताइए। मयंक भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अब बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त कर लूंगी। पूर्वा, जाते समय आदित्य मुझसे कहकर गया था कि सख्ती से ही सही, लेकिन मैं तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस देने के लिए कहूं। अगर तुम राजी खुशी मान जाओ तो हो सकता है वो घर वापस आने के बारे में सोचे। अगर मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दूंगी तो आदित्य खुश हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। देखो पूर्वा, ये बात बहुत मायने रखती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दूंगी, पर उससे पहले मैं एक बार आदित्य से मिलना चाहती हूँ। नहीं पूर्वा, इससे बात बिगड़ सकती है। बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने आदित्य को, अगर तुम ऐसे बातें करोगी तो फिर कुछ उल्टा सीधा ऊटपटांग सोचने लगेगा। तुम बस प्रॉपर्टी के पेपर्स हमें दे दो, उसे घर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं ठीक कहता है, पति के हुक्म के आगे सर झुकाना बीवी का धर्म है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स दे देने से मेरा आदित्य वापस लौट आएगा तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दूंगी। पूर्वा के दिल में मेरे खिलाफ इतनी नफरत कहां से भर गई, जबकि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसके बगैर अधूरा हूं मैं। किसने भरी है नफरत? क्यों ना तनु भाभी को फोन करूं, हो सकता है वो इस बात पर कुछ रोशनी डाल सके। हेलो हेलो हेलो, कौन? आदित्य। आदित्य, कहाँ हो तुम? पूरा परिवार पता है कितना परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। कोई खास बात नहीं भाभी, बस कुछ उलझनों में था इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया। आप बताइए, आप कैसी हैं? आदित्य, पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ भाभी, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। वैसे घबराने की बात नहीं है, दो चार दिन में डिस्चार्ज हो जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि डिस्चार्ज के बाद तुम सीधे यहाँ घर मुझसे मिलने होंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ अभी, लेकिन एक प्रॉमिस आप भी करिए कि मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका बिल्कुल